नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टमेंट पंडास में। दोस्तों आज हम बात करने वाले अल्ट्राटेक सीमेंट Q4 के रिजल्ट्स की। तो आज हम रिजल्ट्स का फुल एनालिसिस करेंगे और समझेंगे कि कंपनी के ओवरऑल रिजल्ट्स कैसे रहे इस क्वार्टर में। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बने रहना और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो दोस्तों पहले समझेंगे कंपनी के क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट्स कैसे रहे। तो टोटल इनकम की बात करूँ तो या टोटल सेल्स की बात करूँ तो उसमें कंपनी का 15% का ग्रोथ रहा है। तो लास्ट क्वार्टर की बात करो, दिसंबर क्वार्टर की, तो 12,522 करोड़ उसका टोटल इनकम था, वो इंक्रीज होकर 14,465 का हो गया। वहीं अगर मैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करूं तो ये लास्ट क्वार्टर में 2,332 था, वो इंक्रीज होकर 2,639 हो गया। तो 13% का यहाँ पे हमें ग्रोथ देखने को मिल रहा है। वहीं नेट प्रॉफिट जो कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करूं तो इसमें 12% का ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा है। अभी लास्ट क्वार्टर फाइनेंशियल ईयर मार्च 20 के साथ कंपेयर करते तो टोटल इनकम की बात करूं तो यहाँ पे 30% का ग्रोथ देखने को हमें यहाँ मिल रहा है। वहीं प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करूं तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 81% का ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो कंपनी का जो प्रॉफिट था टैक्स के पहले तो काफी बेहतरीन यहाँ पे कंपनी ने ग्रोथ दिखाई है। ओवरऑल ये इंक्रीज होकर 2,639 हो गया इस क्वार्टर। वहीं अगर मैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करूं तो दोस्तों यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि लास्ट ईयर कंपनी का जो मार्च क्वार्टर में जो कंपनी का प्रॉफिट था वो 3,236 था, वो डिक्रीज होकर 1,774 हो गया। तो दोस्तों यहाँ पे 45% का हमें डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों आप ये सोच रहे होंगे कि प्रॉफिट आफ्टर बिफोर टैक्स तो अच्छे रिजल्ट्स, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में इंक्रीज कैसे हो गए, कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज कैसे हो गया। तो दोस्तों लास्ट ईयर 2019 के आसपास गवर्नमेंट का रूल आया था जिसमें गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया था कि अगर कंपनी किसी भी कंपनी को जो टैक्स रिफंड लेना है तो टैक्स रिफंड वो लोग ले सकते हैं। इसकी वजह से यहाँ पे हमें इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं कि लास्ट क्वार्टर में कंपनी को 2024 का डिफर टैक्स क्रेडिट मिला है, तो उसकी वजह से क्या है कि कंपनी का नेट प्रॉफिट जो है इंक्रीज हो गया है। तो इसीलिए दोस्तों इस चीज की वजह से कंपनी का जो ओवरऑल नेट प्रॉफिट है उस पर इम्पेक्ट आया है और वो इंक्रीज देखने को हमें मिल रहा है लास्ट क्वार्टर में। अभी दोस्तों हम पूरे 12 महीने के रिजल्ट्स का एनालिसिस करेंगे। तो टोटल इनकम की बात करूं तो उसमें 5% का ग्रोथ देखने को मिल रहा है। वहीं प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करूं तो उसमें 51% का ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो लास्ट मार्च 20 की बात करूं तो ये 5,182 करोड़ था, वो इंक्रीज होकर 7,857 हो गया है। वहीं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में हमें यहाँ डिक्लाइन देखने को मिल रहा है 5% का, क्योंकि ये टैक्स की वजह से अगेन यहाँ पे हमें डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। जो टैक्स की वजह से हमें यहाँ पे डिक्लाइन देखने को मिल रहा था मार्च क्वार्टर 4 2020 में, वो सेम चीज यहाँ पे रिपीट हो रही है मार्च पूरे 12 महीने के फिगर्स में। तो इसकी वजह से ही कंपनी का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो हमें डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। पर दोस्तों अगर आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखोगे तो कंपनी ने काफी शानदार ग्रोथ दिखाया है। तो 51% का कंपनी ने ग्रोथ दिखाया है। वहीं अगर मैं टोटल कंपनी के शेयर कैपिटल की बात करूं तो ये 13% इंक्रीज होकर 44,180 हो गया है। वहीं कंपनी ने अपनी बोरिंग्स भी डिक्रीज किए, तो एक अच्छी बात है। जिस कंपनी का जो कर्जा जितना कम हो उतना अच्छा है। तो यहाँ पे 17% की बोरिंग से डिक्रीज की हुई है और इसकी वजह से कंपनी का जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो भी कम हो गया। तो 0.55 था लास्ट ईयर, वो डिक्रीज होकर 0.4 हो गया। तो काफी बेहतरीन कंपनी ने अपना जो ओवरऑल जो कर्जा है वो उसको काफी अच्छे तरीके से मैनेज किया है। वहीं कंपनी के जो टोटल एसेट्स है वो भी इंक्रीज होकर 86,183 हुए और इसमें अराउंड 9% का ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा है। दोस्तों अभी कंपनी के कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस देख लेते हैं। तो लास्ट ईयर 8,972 करोड़ था, ये इंक्रीज होकर 12,503 करोड़ हो गया इस मार्च 21 में। वहीं कंपनी का जो नेट कैश फ्लो है वो लास्ट ईयर -295 करोड़ था, वो अभी इंक्रीज होकर -712 करोड़ हो गया। तो दोस्तों आप सोचोगे कि ये माइनस फिगर में ज्यादा क्यों हो गया, तो दोस्तों कंपनी ने यहाँ इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज बढ़ा दी है। तो कंपनी का जितना भी पैसा आ रहा है वो कंपनी कहीं ना कहीं अपने प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर रही है। इसकी वजह से क्या है ना दोस्तों, ओवरऑल जो नेट कैश फ्लो है वो हमें डिक्रीज देखने को यहाँ मिल रहा है। पर दोस्तों ये इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है, कंपनी जितना इन्वेस्टमेंट करेगी अपने फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए उतना ही कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ होगी। तो दोस्तों कंपनी के ओवरऑल रिजल्ट्स तो काफी बेहतरीन दिख रहे हैं।
और इसकी वजह से हमें स्टॉक प्राइस में भी अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे 2.5% का अराउंड यहाँ पे अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल रिजल्ट्स काफी बेहतरीन रहे। तो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।